दो बकरी भाभी लेके आई थी अपनी मायके से, दो दो बकरी अंजलि की मम्मी लेके आई थी अपनी मायके से। चार बकरियों की परिवार है ये, कम से कम इसमें 60-70 बकरियां हैं। ये देखो यार दोस्तों, इसमें बुआ ने गोबर और मिट्टी कर रखी है मिक्स। ये है यार दोस्तों छीन घसने का पहाड़ी स्टाइल। उनके 6 बज गए, अब होगी हमारी खाने बनाने की तैयारी। बुआ बना के लेके आ गई है चाय। बुआ को यार दोस्तों डर लग रहा है प्याज डालते हुए। ये है यार दोस्तों हमारी सर्दियों में जलाने की लकड़ी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, पहला स्वागत है दोस्तों आपका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों यार पापा हो गया जंगल जाने के लिए तैयार, और बुआ ने दोनों गोट में से बकरियां भी खोल दी है। तो दोस्तों यार इस गोट में ना हमारी जो भाभी अपने मायके से लेके आई थी एक बकरी के पट वो इस गोट में रहते हैं, और एक बकरी के पट अंजलि की मम्मी लेके आई थी वो इस गोट में रहती हैं। दोस्तों एक भी बकरी हमने खरीदी नहीं थी, जितने भी ये बकरी हमारे पास है ये सभी दो बकरी भाभी लेके आई थी अपने मायके से, दो बकरी अंजलि की मम्मी लेके आई थी अपने मायके से। तो दोस्तों उन्हीं में से है ये देखो यार, इनका 4 बकरियों की परिवार है ये, कम से कम इसमें 60-70 बकरियां हैं। गिने तो नहीं है, एक दिन गिनूंगा इनको कितनी है। पापा मना करते हैं यार गिनने के लिए, इसलिए मैं गिनता नहीं हूँ। और जा रहा हूँ बकरी पहुँचाने के लिए, सुबह के 9 बज गए हैं, और मेरे साथ में ईशु और ये माही भी आ रहे हैं। ये जाएंगे आंगनबाड़ी स्कूल, बुआ छोड़ इनको जाएगी बुआ छोड़ने के लिए। और यहाँ पर जो हमने कल चूट रखा था मड्डू, ये बुआ ने इसमें जला दिया है इसका भूसा। ये देखो ये भूसा कल रात से जल रहा है। और एक मुर्गी भी लेके आई है बुआ, और मुर्गी बुआ ने ये बाथरूम में कर रखा बंद। ये है कल शाम को लेके आई थी, मेरे को बोल रही थी काटने के लिए लेकिन मैंने मना कर दिया। जाओ तुम स्कूल जाए, हाँ पहुँचा के आता हूँ इनको आधे रास्ते तक। तो दोस्तों यार बकरियों को पहुंचा के मैं आ गया हूं, और बुआ भी बच्चों को आंगनबाड़ी पहुंचा के आ गई है। अब बुआ करने लगी है चिन की कसाई। ये देखो यार दोस्तों बुआ अपने काम में लगी है, और बुआ मिट्टी और गोबर से ये चिन की कर रही है ये कसाई। देखो बुआ ने ना आज बच्चों को पहुंचाने के बाद इतनी कर दी कसाई। और इस साइड में बुआ ने कल और परसों करा था, और हमने कल इसमें चूट भी लिया है, क्या नाम है मड्डू। ये देखो यार दोस्तों इसमें बुआ ने गोबर और मिट्टी कर रखी है मिक्स। ये है यार दोस्तों छीन घसने का पहाड़ी स्टाइल। अब बुआ बोल रही है ना हर बार मुझे ये छीन घसना पड़ता है, तो एक बार इसमें ऐसा कर पूरे छीन में डालते सीमेंट। देखो यार इसमें करीब 40 कट्टे सीमेंट लगेंगे। ये देखो वहाँ से लेके इस कोने तक सीमेंट डालना है। मैंने बुआ को बोला है इसमें करीब 50,000 का खर्चा आएगा। बुआ बोल रही है 10-20,000 रुपये मैं दूंगी, बाकी तू लगा। अभी पापा मना कर रहे हैं, पापा बोल रहे हैं ना इस फर्श इसमें आधे में भैंसों के लिए एक कमरा बनाते हैं, इस वजह से हमने इसमें सीमेंट नहीं डाला है। और हमारी यार एक बकरी के पट ने पता नहीं क्या खाया, ये साला 2 दिन से बीमार है, कुछ खा ही नहीं रहा है। ये देखो धूप में कैसे लेटा है, खा ही नहीं रहा यार दोस्तों। इसको बुआ ने लहसुन और नमक भी खिला दिया तब भी ठीक नहीं हुआ। ये मुझे लग रहा है ना इसने ज़्यादा वो खा लिया बजुर। अब बुआ कह रही है कहीं मरेगा तो नहीं, मरेगा नहीं, इसका पेट ना टाइट है, ये साला 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। मड्डू खा लिया इसने, मड्डू और बाजूर ज़्यादा खा लिया क्योंकि ये खुला रहता है जो इसके साथ में है ना, और वो देखो बांध रखे हैं, और ये 2-3 छोटे हैं ये खुले रहते हैं। ठीक हो जाएगा,
तो दोस्तों शाम के 6 बज गए, अब होगी हमारी खाने बनाने की तैयारी। बुआ बना के लेके आ गई है चाय और मम्मी लेके आई है सब्जी। जो हमारा सबसे बड़ा खेत है ना उनका, वहाँ से लेके आई है सब्जी। देखो यार, ये यीशु गोलू और ये माही भी आ गए मेरे पास। ये लेके आई है दोस्तों मम्मी सब्जी। क्या क्या लेके आई इसमें? इसमें है भिंडी और लाल मिर्च। भिंडी और लाल मिर्च लेके आई है पुनगढ़ में से। और देखो दोस्तों इसमें छोटे छोटे कीड़े भी है। भिंडी भी लगाई थी वहाँ पर मिर्च के साथ। अभी थोड़ी देर के बाद हमें बांबड़ भी जाना है गुदू टीपने के लिए, है ना यीशु? तीन दिन धान सुखाने के बाद अब दोस्तों इसमें फटाव लगाने के बाद फिर डालने ये पकार में। पकार में क्या डाले यार, ये थोड़े से तो है। मम्मी से पूछता हूँ किस में रखेंगे। वही किमी धरन दाखो, अच्छा अच्छा दगड़ो यार। मैं मम्मी का ना ये लोहारा का लीजिए, वाल का भी लोहारा लीजिए और बी लीजिए। ये धनिया को पका रन पीसो लीजिए ना। अच्छा नहीं देखो, गोलू माही और अंजलि भी लगे हैं काम में। इधर डालें तिल, दो दिन हो गए तीनों को भी, अभी हरी है। और उधर डालिए मांस। ये देखो यार दोस्तों, ये माही ने ना अपने आप ही भभूत भी लगा रखा है माही। ये देखो ये दोनों अभी यीशु और माही खेल कर रहे थे, एक दूसरे को लगा रहे थे भभूत। इधर तीन जगह डाल रखा है बजूर। बजूर भी करीब सूख ही गया। इसमें भी बजूर है, इसमें भी बजूर है, उसमें भी बजूर है। 6:30 हो गया है और बुआ का हो गया खाने बनाने की तैयारी। ये देखो प्रेशर कुकर रख दिया बुआ ने और आज बना रही है चिकन, क्योंकि कल ये लेके आई थी मुर्गी, मेरे को बोल रही थी शाम को काटने के लिए। शाम के यार 7:30 करीब बज गया था, मैंने काटा नहीं, तो अभी काट के अब बनाने लग गई है बुआ। प्याज लेके आई है। ये प्याज भी है यार दोस्तों, अपने खेतों का ही प्याज है। देखो अभी हमारा तीन चार महीने के लिए और प्याज होगा। और जो लहसुन है ना, ये भी हमारे अपने खेतों का ही है। देखो बुआ निकाल के लेके आई है भंडार घर से, जहाँ पर हम अपना प्याज आलू और सब्जी रखते हैं। इसी से मैंने काटी थी अभी मुर्गी। बुआ को यार दोस्तों डर लग रहा है प्याज डालते हुए। हवा चल रही है और फटाव की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सुहाना मौसम हुआ है यार। समय शाम के 7 बजे, कुछ ऐसा है यार दोस्तों गांव का नज़ारा। ये देखो सभी गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आजकल चल रहा है दोस्तों इधर गांव में हमारे गाजू काटने का काम। 2 दिनों से बारिश हुई नहीं है और बुआ रखने लग गई है सूखी लकड़ी। ये है यार दोस्तों हमारी सर्दियों में जलाने की लकड़ी। देखो क्योंकि पहाड़ों में ठंड भी बहुत होती है, इसलिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जैसे ही बारिश होगी ना, अभी भी ठंड चालू हो जाएगी, तो हमें आग सेकने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ढक भी रखे हैं लकड़ी, बारिश होती रहती है ना यार दोस्तों। सांप का भी डर है इधर, सांप भी होता है। कल मम्मी ने देखा, जो हमने
भैंसों को सूंघ के ला रखे थे वो ये वाली लकड़ी है। अब ये भी सर्दी से पहले पहले जलाने पड़ेंगे, फिर सर्दियों में इनका लगता है धुआं, फिर जब जलाते हैं ना धुआं लगने लग जाता है, इसलिए ये सर्दी से पहले जला के ख़त्म करने हैं। दो पानी की टंकी है हमारी, एक टंकी है ये ऊपर, ये हमें हमेशा भरी रहती है क्योंकि आजकल पानी की ज़्यादा खपत नहीं है और पानी भी डेली आता है। ये है यार दोस्तों तुलसी का पौधा, ये लगा रखा है अंजलि ने। गोलू दोस्तों लेके आई है सेब, ये देखो किसी को नहीं दे रही है, चुपके से अकेले अकेले खा रही है। दिखा दिखा तो दिखा क्लियर है सेब, तुम उनको नहीं देने। देखो यार दोस्तों अकेले अकेले खाती, किसी को नहीं देगी, और सबसे ज़्यादा खाती, सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया चीज़ खाती है, सबसे पहले खाती है और सबसे कमज़ोर है। देखो ये यीशु के बराबर भी वजन नहीं है इसको, ये दोनों मिला के एक कट्टा धान होगा यार, है ना वही एक का कट्टा बोल, एक कट्टा नहीं हो। दगड़ो यार मम्मी का ना यार लोहारा लीजिए और बिया का लीजिए मैं जी धरे है बीज के लिए रख दिया, क्योंकि बीज तो पहले चाहिए ना, तभी तो अगले साल फिर थोड़ा सा धान फिर बोएंगे।